कक्षा नवम एवं दसम के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। मैं आपका संस्कृत शिक्षक राजेंद्र सिंह सैंधव, ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी हाटपिपल्या। अद्य अहम धातु रूपाणी वर्ब, इंग्लिश में जिनको वर्ब बोलते हैं, जिनसे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया बोलते हैं, और इसी क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं, वही धातु रूपाणी। आप समझते होंगे कि धातु क्या है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब प्रश्न आता है, क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम को करना या होना पाया जाता है जिस शब्द के माध्यम से, उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिसके माध्यम से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के रूप अर्थात रूपाणी, यानी कि हमको समझना है कि यहाँ पर जो दिया है आप देख पा रहे हैं, धातु रूपाणी परस्मै पदम पदिनः भू, इसको भव भी बोलते हैं और इसका अर्थ होता है होना, और ये लट लकार में इसके रूप बनते हैं, है ना। अब लट लकार ने वर्तमान काल, वर्तमान काल में भी भू धातु के कितने रूप बनते हैं? तीन, तीन छः, तीन त्या नौ, है ना। यानी कि प्रथम पुरुष में भी तीन है, मध्यम पुरुष में तीन है, और उत्तम पुरुष में तीन है। प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार से भू धातु है, भू का या भव के रूप में यहाँ पर हो रहा है, भवति, भवतः, भवन्ति। भव यानी होना, भवति यानी होता है, भवतः यानी दो होते हैं, भवन्ति यानी बहुत सारे होते हैं। भवसि यानी होता, हो मतलब, है ना। फिर भवतः द्विवचन में होते हैं दो, होते मतलब तुम होते हो, तुम दोनों होते हो, भवतः यानी तुम सब होते हो। फिर भवामि मैंने, मैं होता हूँ, है ना। भवा वह हम दो होते हैं, भवा मह हम सब होते हैं। अब इसमें जैसे भव धातु लगी है, भव की जगह ही आप लिख सकते हैं पट, तो जहाँ जहाँ भव लिखा है वहाँ पर पट लिख सकते हैं, तो रूप बन जाएगा पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठतः, पठामि, पठावः, पठामः। अगर इसकी जगह पठ की जगह लिख लिखना है तो हम लिख सकते हैं लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखतः, लिखामि, लिखावः, लिखामः। इस प्रकार से धातु रूपाणी बनते हैं वर्तमान काल में, ठीक है। अब ये धातु रूपाणी वर्तमान काल के हैं। अब इसमें हम प्रत्यय बना सकते हैं, इसमें क्या प्रत्यय बना है? व, ये व पे हलंत है, यहाँ पर हलंत देख रहे हो, व आधा है, इसमें अ लगकर ती लग गया, तो इसके प्रत्यय हम बना सकते हैं अति, अतः, अंति। यहाँ पर अति प्रत्यय जुड़ा है, यहाँ अतः प्रत्यय जुड़ा है, यहाँ अंति जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर असि जुड़ा है, अथह, अथ, आमि, आवह, आमह। यानी इस प्रकार के प्रत्ययों से हमें हम रूपाणी, धातु रूपाणी बनाते हैं वर्तमान काल के लिए। अब आपको पहचान करना होगी कि यहाँ पर भवामी, मी, वह, मह तो उत्तम पुरुष, सी, थ, थ आता है तो मध्यम पुरुष, ती, तह, अंति आता है तो प्रथम पुरुष। पुरुष की पहचान इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। ती, तह, अंति प्रथम पुरुष, मतलब अति, अतः, अंति प्रथम पुरुष, असि, अथ, अथ मध्यम पुरुष, आमि, आव, आम उत्तम पुरुष। इस पुरुष की पहचान हो जाएगी। फिर एक वचन की अगर पहचान करनी है तो ती, सी, मी, ती, सी, मी, है ना, एक वचन। तह, थ, वह द्विवचन, अंति, थ, मह बहुवचनम। इस प्रकार से आप लट लकार के प्रत्ययों को जान सकते हैं। अब ये वर्तमान काल का था, अब हम आते हैं लंग लकार अर्थात तो भूतकाल। भूतकाल में भव को क्या बोलते हैं? अब भूतकाल के प्रत्यय, भूतकाल के जो धातु रूपाणी बनाना है, मतलब रूप बनाना, भूतकाल के भव धातु के रूप बनाना, तो सबसे पहले आपको देखना है सब में इस जो भव है ये बीच में लिखा हुआ है भव, है ना। भव के पहले क्या लिखा हुआ सब में? सब में अ लगा हुआ है, देखिए आप देख पा रहे हैं सभी में अ लगा हुआ है। फिर बीच में धातु है, फिर अंत में क्या है? व में अ की मात्रा लगी हुई है, तो अत, मतलब अत, अताम, यहाँ पर अत, अताम, अन, है ना। तो यहाँ अ पहले लिख दो सब में, फिर अंत में क्या प्रत्यय लगाना है? अत, अताम, अन, अह, यहाँ पर अह लगाना, अह, अतम, अत, अम, आव, आम।
सब में आ लगा दो, बीच में भव लिख दो। सबसे पहले तो सब में आ लगा दो, तीनों में, तीनों में आ लगा दिया, फिर बीच में भव लिख दो, सब में भव लिख दिया, ठीक है। फिर क्या लिखना है, प्रत्यय लगाने में अत, तो व में आ जुड़ जाता है, व पहलंत रहता है तो आ जुड़ जाता है, तो अत अताम अन, अह अतम अत, अम आव आम। यहाँ पर इस त पहलंत नहीं है, इस वाले त पहलंत है, दोनों में परिवर्तन क्या है, यहाँ भवत हलंत लगा हुआ है तो प्रथम पुरुष एक वचन, अभवत मतलब अभवत हलंत लगा तो प्रथम पुरुष एक वचन, अभवत पूरा त है तो मध्यम पुरुष बहुवचन, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये लंग लकार का हो गया। अब इसी को भविष्य काल में, इसी को अगर भविष्य काल में देखते हैं तो भविष्य काल के लिए लकार है रीट लकार, ल पे री की मात्रा है रीट लकार। हम लकार की पहचान भी करेंगे। सबसे पहले जो लकार लिखा हुआ है लट लकार, ल ट ट पहलंत लट लकार, फिर लंग लकार इंग है ये लिंग लकार मतलब लंग लकार, फिर लिट लकार, लिट लकार यानी भविष्यकाल, भविष्यकाल जो है फ्यूचर, भविष्यकाल के लिए लिट लकार है। अब इसी भव का क्या दिया है कि आप देख पा रहे हैं सब में भव भव तो लिखा है लेकिन ई की मात्रा भी है, क्या है ई की मात्रा, सभी व में ई की मात्रा लग गई है ना, ठीक है ई की मात्रा लग गई है तो क्या हो जाएगा भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, यानी इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यति ई यानी ई, ठीक है ई आदशा षटकोण का य, और नति है ना इष्यन्ति इष्यतः इष्यति यानी इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, तो यह हो जाएगा भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। यहाँ पर इष्यसि इष्यतः इष्यतः, इष्यामि इष्यावः इष्यामः, इष्य इष्य हो जाएगा सामान्य अधिकतर इष्य से यानी कि भविष्य काल, तो यहाँ पर भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यतः, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः, यानी कि मी वह मह से उत्तम पुरुष होता है, सी था से तो मध्यम पुरुष होता है, ती था अंति से तो प्रथम पुरुष होता है। अब लेकिन एक वचन क्या होता है ती सी मी एक वचन, तह थ वह द्विवचन, अंति थ आम बहुवचनम, ठीक है। लेकिन ईष्य ईष्य जहाँ आता है वहाँ पर लिट लकार, वहाँ पर लिट लकार, तो भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, यानी होगा दो होते हैं बहुचार होते हैं, एक होता हो एक होता है दो मतलब एक एक होगा दो होंगे बहुत सारे होंगे, एक तुम है तुम हो तुम सब हो तुम दोनों हो होंगे मतलब तुम दोनों होंगे तुम सब होंगे, मैं होता मैं होऊंगा हम दोनों होंगे हम सब होंगे, इस प्रकार से ये धातु रूपाणी बनते हैं। अब इसमें अगर आप पठ चलते हो तो पठिष्यति हो जाएगा, जहाँ भव व लिखा है भव और व वन का लिखा है भव, उसमें पठ लिख दो, मात्रा वैसी की वैसी लगाना है, तो हो जाएगा पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यतः, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, ठीक है। गम का अलग बनेगा, गम का गमिष्यति गम गच्छ धातु होती है लेकिन गच्छ से इसमें नहीं बनता, इसमें गम से बनता है गच्छ है ना, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यतः, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः, इस प्रकार से गम की धातु के बन जाएंगे, ठीक है। अब हमें अज्ञार्थ यानी कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है इसमें अज्ञार्थ लकार होता है, अज्ञार्थ यानी कि आज्ञा देना, चलो जाओ बैठ जाओ आ जाओ तुमको जाना है तुम जाओ तुम आ जाओ मैं जाता हूँ मुझे जाना है ना, आज्ञा देना हम दोनों को जाना है हम सबको जाना हमको आना है ना, पाठ पढ़ना है लिखना है चलना है, ये मतलब आदेश अज्ञार्थ, तो अज्ञार्थ के लिए लोट लकार होता है। तो इसमें देखते हैं सब में भव भव तो लगा है लेकिन चेंजेस क्या हुआ परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ अतु लगा, व में आ छुपा है अतु अताम अंतु, अ लगा सिर्फ यहाँ पर अ अतम अत, यहाँ पर आनी आव आम, इस प्रकार के प्रत्यय लगे, ठीक है। तो भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवावह भवाम, भवानी भवावह भवाम, यानी कि तू ताम अंतु अ अतम अत आनी आव आम, आनी अगर आता है तो लोट लकार प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन, आव आता है लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, आम आता है मतलब भवाम आम भवाम आता है लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, भव सिर्फ भव आता है लिख
भव चल हंस खात सब पूरा एक शब्द आता है। तो मध्यम पुरुष लोट लकार एक वचन, भवतम मध्यम पुरुष लोट लकार द्विवचन, भवत मध्यम पुरुष लोट लकार बहुवचनम, भवतु मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष एक वचन, भवतम लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, भवन्तु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। इस प्रकार से ये लकार आपको समझना, एक आखिरी लकार है, पांच अपने संस्कृत में पांच प्रकार के लकार हैं, वैसे तो 11 प्रकार के लकार होते हैं लेकिन हमारी सामान्य संस्कृत में पांच प्रकार के हैं, विधिलिंग लकार। अब ये लकार क्या है, चाहिए मतलब प्रार्थना करना, जैसे आदेश नहीं देना, आपको पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, मुझे गीत गाना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए ना, चाहिए हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए, हम सबको काम करना चाहिए, हम सबको देश की सेवा करना चाहिए, हम सबको कार्य करना चाहिए, ऐसे चाहिए। चाहिए शब्द का जहाँ अर्थ आता है वहाँ पर विधिन लगा होता है। अब इसके लिए भी वही भव धातु है, उससे से बनाया है, तो इसमें चेंजेस क्या हुआ, जो चेंजेस हुआ है जो परिवर्तन हुआ है वो इसके प्रत्यय हैं। आप चाहो तो अपनी कॉपी पुस्तक पेन निकाल कर आप उनके प्रत्यय पहचान लिख सकते हैं, उनमें जो परिवर्तन हुआ है वो प्रत्यय है और उन्हीं को आपको लिखना है, और उसे तिंग प्रत्यय बोलते हैं ना। तो भवेत यहाँ एक ही मात्रा लगी और त है, तो एत एताम एयु ए और विसर्ग एतम एत एत पूरा इसमें और इसमें ये अंतर है, हलंत नहीं है ये। फिर एव एम तो इस प्रकार से क्या बनेगा, भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम, ठीक है ना, भवेत यानी होना चाहिए है ना, भवेताम तुम दोनों को होना चाहिए, भवेयु यानी तुम दोनों को वहाँ तुम सबको वहाँ पर उस कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहिए, भवे यानी तुम्हें उपस्थित होना चाहिए है ना, मतलब भवेत यानी राम को उपस्थित होना चाहिए, भवेताम दो राम को दो बालकों को उपस्थित होना चाहिए, भवेयु सब बालकों को उपस्थित होना चाहिए, भवे तुमको उपस्थित होना चाहिए, भवेतम तुम दोनों को होना चाहिए, भवेत तुम सबको होना चाहिए, भवेयम भवेयम मुझे होना चाहिए है ना, भवेम हम दोनों को होना चाहिए, भवेम हम सबको होना चाहिए। इस प्रकार ये चाहिए के अर्थ के लिए, तो एताम ययु एतम एत एयम एव एयम वेव वेम, ठीक है। अब इसमें पठ अगर लिखना है तो पठे पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम, लिख लिखना है तो लिखे लिखेताम लिखेयु लिखे लिखे लिखेतम लिखे लिखेयम लिखे वेव लिखेम लिख लिख वेम, ठीक है, लिख से लिखेम खेम हो जाए ख व की जगह, यानी कि लिखे लिखेताम लिखेयु लिखे लिखेतम लिखे लिखे यम लिखेव लिखेम, इस प्रकार से लिखा हो जाएगा। चल का हो तो चले चलेताम चलेयु चले चलेतम चले चलेयम चलेव चलेम, ठीक है। इस प्रकार से हम ये बना सकते हैं इन सभी के। अब इसी में आपका एक होमवर्क भी दे रहा हूँ मैं आपको, इनके प्रत्येक जो 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 इनमें चेंजेस हुए हैं वो लकार लिखकर उनके प्रत्यय आपको फिर कॉपी में नोट करना है और लिखना है, प्रत्यय अलग छाट करके, और धातु भी अलग लिखना है। तो धातु तो आपको समझ में आना कि बहु धातु है लेकिन कौन कौन से प्रत्यय से, तो आपको पहले इस सभी के प्रत्यय बनाना है, फिर इनके प्रत्यय बनाना है, फिर इनके बनाना है, और इसके प्रत्यय बनाना है, और इसके प्रत्यय बनाना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जय हिंद जय भारत। इति श्री